मेरी यूट्यूब फैमिली रखकर अस्तर बस्तर शाद रहे। तो जी हम जा रहे हैं जुमा नमाज के लिए, मैं और वसीम। तो सबको जी जुमातुल मुबारक हो दिन, और चलते दिखाते हैं भी हम जुमा पढ़ते हैं और कहाँ जाना है। आज की रूटीन इंशाल्लाह आपको बताएंगे पास। और ये देखो अली क्या हाल है, आ गए हो? और ये से देखो जी लाइन बंदा ठीक है। हाँ भाई, तुम कैसे हो? अरे आउट करा दिया ना। हाँ कल तंजीम ग्राउंड, चलो ओके करीब है। चलो ठीक है, वो जो पहले मुस्तफा वालों का घर नहीं होता था। हाँ चलो ठीक है, कल वहीं खेलेंगे। आज भी यहाँ आउट करा दिया इसने आपको? हाँ आउट करा दिया। पता नहीं कैसे मैंने जो है ना पाँव यहाँ पे रखा हुआ था। हाँ। इसने यहाँ से बड़ी हो जाके विकेट पे लगी। भाई हमजा तेज है भाई, माशाल्लाह 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 जी माशाल्लाह। चलो जी ओके ओके चलो जी, बॉल फेंको भी। अच्छा जी बॉल हो रही है। हाँ चलो, अरे अंपायर कहाँ। चलो यहाँ अभी खेल शुरू है, छक्का है, खेल शुरू है। वसीम और हमजा का, अरे अरे आउट हो गया। फ्रूट लाए थे मैं, खा रहा हूँ और इनका मैच भी देख रहा हूँ अभी कैसे खेल रहे हैं। तो लेट और जी दीदी साहब चले गए दुबई के लिए, तो मकान के लिए गया था और जुमा नमाज के लिए भी जाना था। तो पता नहीं आप भी आया हूँ घर पर, ये कहते अभी चला गया। चलो अल्लाह ताला उसे सही सलामत पहुँचाए। क्या लेके आए तुम लोग? चलो जी जाते हुए जी, ये चीज़ें इनको ज़रूरी है। पंजाब यार अभी तो आए हैं, फिर देखते हैं अगर वसीम यहाँ रहता है तो ठीक है, नहीं तो पंजाब जाओगा। ओके तुम चलोगे? अभी तो तुम आए हो, कहाँ जाते हो भाई? इंशाल्लाह और कर सब आ गए। और वसीम चलो पढ़ो तुम भी। चलो वसीम भी पढ़ रहा है जी, अली और वसीम पढ़ रहे हैं कुरान पाक। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो ये देखो जलता बुद्धा साहब आया है और ये जब साहब भी मेरे पास आए जी। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत से ठीक है जी। वो उन्हें भी दिलबर को भी मिलना था लेकिन वो एडी से डीटी साहब तो हो गए, मैं तो वो नहीं है भाई, तो चले गए। चलो तो मुझे भी नहीं मिले भाई, मैं उस नमाज पर जुम्मा नमाज की तैयारी में रह गया और थोड़ा सा मकान के इसमें चक्कर में, तो मुझे भी नहीं मिला। खैर अल्लाह ताला उसे सलामत ले जाए और ले आए इंशाल्लाह। मकान मकान हो रहा है, हो जाएगा, अभी देखते हैं मकान का। चलो चलो दिखाते मकान आज आपको भी। अच्छा तो जी अल्ताफ भाई मुझे ले आए, अभी बैठते हैं थोड़ी देर इधर, कुछ बच्चे का थोड़ा पेड़ पूजा करवाते हैं। हाँ जी बर्गर हमने कहा है कि बर्गर खाने चांदनी चौक के मशहूर होते हैं, बर्गर वो खाते हैं फिर चलते हैं आगे। तो हमारे बर्गर आ चुके हैं वसीम के, ये कहते हैं अंडे वाला बर्गर है, अंडे वाला वसीम का अंडे वाला बर्गर खाना चाहिए भैया। ठीक है वसीम अंडे वाला बर्गर खाओ, बोला भी करो भाई, शर्मीला बहुत है बोलता नहीं है। वसीम क्या हाल है, ठीक हो? चलो बर्गर खाओ। मंगाया क्या? ओए ओए वाह जी वाह, ये वसीम की पसंद है कोई स्टिंग। अच्छा हम बूढ़े लोग हैं, डीओ पीते हैं, डीओ पीते। ये देखें जी बहुत प्यारे प्यारे बनाता है भाई, उसी कर भाई हाथ थोड़ा ऐसे करना। अच्छा ये जो बहुत मशहूर दुकान है इधर जहाँ पे बर्गर खाते हैं आप। मेरी यूट्यूब फैमिली आखिरी बात रह गई थी भी, अगर अगर थोड़ा सा मुझे आज काम है कराची में, थोड़ा सा मकान भी देखना है और उसके बाद उस काम के बाद जो है ना मुझे मजबूरन फिर आ रहा हूँ पंजाब। वो क्या काम है इंशाल्लाह के इंशाल्लाह बताऊँगा। और जो चाहते हैं ना कि मैं पंजाब ही रहूँ तो फिर मैं पंजाब ही आ रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं ले। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? ठीक हैं। ज़ोर से बोलो यार, मैं भी ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह करे आप भी ठीक हो। अल्लाह करे आप भी ठीक हों।
अल्लाह कहे आप भी ठीक हो। अच्छा तो ये जजी वसीम आपको आपके लिए दुआएं कर रहा है और आप भी दुआएं करें भी हम भी ठीक हों। तो जी अल्लाह ताला सबको हंसता और बसता रखे, आबाद और शाद रखे और अपनी फैमिली के साथ खुश रखे। और हम दुआ करते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा हो गुज़रे और अल्लाह ताला यूं ही सबको औलाद बख्श दे। जो जे मुझे भीख मांगी अल्लाह ताला ने दी हुई है तो मैंने तो भीख मांगी अभी तो अल्लाह ताला जिसको भी दिए है तो उसको अल्लाह ताला बख्श दे क्योंकि ये बहुत बड़ी नियमत है। और अल्लाह ताला सबको अपने ईमान में और सच्ची बात करने में तौफीक दे और जो रिज्क रोटी है ना अच्छे कमाने की तौफीक दे ईमान वाली। तो इंसान मिर्ची के साथ भी रोटी खा सकता है, प्याज पे के साथ भी खा सकता है। अगर आपने अच्छा खाया, कोई अच्छी चीज़ खा ली और रिस्क बेईमानगी वाला आपने बच्चों को खिलाया किसी की गीबत करके तो वो अच्छा नहीं है खाना। तो जो अल्लाह ताला लिख दे अच्छी बना खाना तो हलाल का होना चाहिए। मेरा कहने का मकसद भी हलाल का होना चाहिए। जब हम किसी की गीबत करके खाएँगे तो वो खाना हराम हो जाता है और अपने बच्चों के लिए भी हराम होता है। और दूसरी बात ये कि मैं जब भी आता हूँ और सबके जवाब देता हूँ और नाराज़ होता हूँ इसलिए होता हूँ भी आज मैं क्यों देता हूँ आज आपको बता रहा हूँ भी जितना भी यूट्यूब पर हैं मेरे ख़ानदान से में से जितना है मेरे बच्चे भतीजियाँ भाभियाँ भतीजे हैं मैं मकसद सबसे बड़ा हूँ एज में उम्र में सबसे बड़ा हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब पर हूँ। तो बाकी ख़ानदान मेरा तो है लेकिन यूट्यूब पर तो नहीं है तो आपको वो जो नहीं है यूट्यूब पर वो कैसे जवाब देंगे। तो मैं इसलिए जवाब देता हूँ भाई आपको कि भे जितना ही मेरे ख़ानदान में ये काम कर रहे हैं ना तो मैं सबसे बड़ा हूँ तो मुझे जवाब जो हक सच नज़र आता है या झूठ नज़र आता है मैं उसका जवाब देता हूँ। और मैं डरता रब के ज़ात से हूँ कोई रिस्क जो दे रहा है जो रिस्क ज़िंदगी का मौत का वारिस है तो मैं किसी के बाप से नहीं डरता ना ही मुझे कोई देता है बंदों में से कोई। समझो कि आप जैसे देख रहे हैं कोई यूट्यूबर जितना भी है मैं किसी का रिस्क खाता हूँ या मुझे कोई तनख्वाह देता है या कोई मुझे रिश्वत देता है या कुछ तो ना मैं किसी की धमकी में आता हूँ और ना ही किसी से मांग के खाता हूँ। तो दुकानें खुल गई नई ठीक है। तो हाँ जो मैं कह रहा था कि मैं जवाब देना मेरी मजबूरी है अगर YouTube फैमिली से। अच्छा तो जहद की साहब की एक लाइव हो रही थी कल रात तो वहाँ उसने कहा भी उसका चाचा भी लिंक मांग रहा है और एक रईस अनवर तो एक मोहतरमा थी जो भी थी तो कहती है वो रईस अनवर कौन है हम तो उसे नहीं जानते वो क्या चीज़ है। तो जी अल्लाह ताला आपको बड़ी चीज़ बनाए मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो वो कहते हैं उसने कहा जी वो तो उनके ख़ानदान का बड़ा है आप शर्म करें। खैर कोई बड़ा माने ना माने मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस भाई YT वाले को बताना YouTube फैमिली को बताना सच बात मेरी मजबूरी है कोई मुझे जाने ना जाने कोई बात नहीं। तो जी अब नई दुकानें खुल गई फिर से हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी। कोई बात ईमान से कोई नहीं कहेगा फिर वही गुजर जाएगा एक सितारा की साइड एक सलमा की साइड और जो ईमान की बात कोई भी नहीं करेगा वो तो कहते हैं जी हम फिर से वो नई कंट्रोवर्सी शुरू करेंगे दूध वाला कह रहा है और उस मतलब जो उसके साथी हैं हम फिर वो नई कंट्री लाएंगे और नई बात से शुरू करेंगे फिर हम जिना मतलब प्रमोट करेंगे और ये करें क्योंकि अपना हमने रिस्क हराम खाना है नया कीड़ा फिर शुरू हो गया चुल चुल करने तो नया कीड़ा चुल चुल करेगा इन्हें दूध वालों को और फिर से इसने सितारा बेटे का फिर से इज्जत उछालने शुरू करनी है। तो जहर जो कर रहा था वो ख़त्म करने के लिए कर रहा था लेकिन आप लोगों ने ना मकसद ख़त्म नहीं करनी सलमा और असगर के सपोर्टर साहब उन्होंने ख़त्म नहीं करनी फिर से उन लोगों ने एक दो तीन से शुरू करनी है ठीक है। तो जी ठीक है अगर आपको यही रिस्क हलाल लगता है किसी के गीबत करके खाना और आपका भाई चैनल और मतलब बढ़ाना ठीक है पहले भी आपके 3-4 हज़ार थे और आप दूध वाले अपने बारे में बोला करना अब तेरे कितना है 50 हज़ार होने वाला है तो आपने सितारा के गीबत करके खाया है यानी कि हराम खा रहे हो
तुम तो बोलते हो जी मैं मतलब बहुत ही दूध का धुला हूँ। खैर ये हिसाब मेरे अल्लाह ने लेना है, मैं कौन हो सकता हूँ भी आपसे हिसाब लेने वाला, लेकिन बता रहा हूँ दूध वाला है किसी की माँ बहन की जैसे तो धज्जियाँ उड़ा रहा है ना, तो कल की आपकी माँ बहन हो गई भी उसका भी हो सकता है कुछ, तो अपने गिरेबान में झाँको और देखना चाहिए कि अल्लाह ताला को हमने मैंने जान भी देनी है, फलां करना है, जो मैं हक के साथ खड़ा हूँ, तुम जज लगे हुए हो यहाँ की दुनिया के ना, जज बन के बैठे हो, मैंने तो हक साथ की बात करनी है, एक पेंसिल को घुमाने से बंदा जज नहीं बनता, अकल से काम करो और जो तुम काम कर रहे हो दूध वाला वही दूध वाला ही करो ना, ठीक है। और तुम्हें अब चस्का पड़ गया है किसी की गिबत करना, किसी की माँ बहन की इज्जत उछालना, और मतलब मैं जी वो उसके प्रूफ के साथ लाऊंगा, क्या बहुत बड़ा प्रूफ ला रहा है तू, ठीक है, ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्रूफ ला के बहुत कुछ कमा रहा है, ठीक है, यही डॉलर कमा ले तू इस जान में, अगले जान में जो तेरे को प्रूफ मिलेंगे ना मेरे अल्लाह ताला ने भेजने और फरिश्तों ने भेजने, वो याद करना भी कैसे होंगे। अब जो सितारा की तू हिब्बत करके खा रहा है, ठीक है, हिब्बत करके खा रहा है ना, तो कोई कहता है जब तू कुरान की आयतें भी सुनाता है और कहता है पढ़ा पढ़ा लिखा हूँ तो मैं यहाँ आऊँ तो मैं वहाँ आऊँ तो हैंकियाँ ते फेंकियाँ ते शैंकियाँ ते कोट शोट ते मोट मोट, ठीक है ना, तो अब तो तुम्हें पाकिस्तानी कपड़े भी भूल गए हैं, पेंटियाँ शर्टियाँ पहने लग गए भाई, जब तुम हमारे पास कराची आया था तुम्हें दिलबर और बाबर और अब लोगों ने तुम्हें मतलब इंटरव्यू दिया था और सब, तुम्हारे पास क्या था, कोई सब्सक्राइबर नहीं थे, क्योंकि सीधे रास्ते पर था तुम, जब तू उल्टे रास्ते पर गया है तो उल्टे रास्ते वाले देखने वाले भी बहुत हैं सब्सक्राइबर आपके, खैर देखते रहें कोई बात नहीं, उनको अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। लेकिन दूध वाले तुम अपने आप में आ जाओ, और तुमने फिर मतलब तुमने और सलमान ने और असगर ने, मैं सब समझ तुम्हें सबका बड़ा हूँ, ठीक है, तुम तीनों ने फिर जो है ना नई नई बातें लाई और नई नई फिर मतलब कॉन्ट्रोवर्सी ख़त्म नहीं कर दी, अगर उन लोगों ने कहा हम चुप कर रहे हैं सलमा और असगर ने, तो आप लोगों को उसने छोड़ा हुआ था, ठीक है ना, आप लोग थे उसके वकील लगे हुए थे और बातें कर रहे थे, मतलब आप लोगों ने ख़त्म ही नहीं होने दिया, तो खैर लेकिन जब कोई बंदा गंदी हड्डी चूस लेना तो फिर उसे अच्छी हड्डी ऐसी अच्छी नहीं लगती, ठीक है, आप लोगों को गंदी हड्डी गई है लग तो हेटरीगिरी लग गई है, आप लोगों ने क्या करना है, वही हेटरीगिरी मतलब चार चार मिनट बैठा कोट पैंट शर्ट बैठ गए मेरी तरफ, हाँ तो फलां हो गया थी ये हो गया तो मैं लाऊंगा तो मैं करूंगा तो मैं करूंगा, किसी की माँ अगर वो सतारा बेटी का व्लॉग बना रही है किसी का नाम नहीं ले रही, उसके नाम पर लेके खाने वाले, अब तू जो है ना बड़ी बड़ी हैंकियाँ फेंकियाँ मार रहा है, और इजाज शाह क्या है, इजाज शाह को मैं कहता है जी मैं जिससे जानता हूँ कोई नहीं जानता, तू किसको जानता बीच में तुम जानता थे किसको जानता है तू, वो बेटी स्टारी हमारा, सलमा भी हमारा बेटी, और जो इसके नैना की बात कर रहे हैं वो भी हमारी, तो आपको ज़्यादा पता किस चीज़ से, हमें ज़्यादा पता है या आपको ज़्यादा पता है, ये YouTube फैमिली भी समझती है सब चीज़ समझती है, जितना बंदा आपस में जानता है तीसरे बंदे को कुछ पता भी नहीं है, कहाँ दूर बैठा है फिर खबरें दे रहा है, क्योंकि हमें सब पता है अभी आप हांडी क्या पकी है, इस घर में क्या हो रहा है उस घर में क्या हो रहा है, हमारे बच्चों का हमें पता ज़रूर होता है, ठीक है, आपको कहाँ से पता है, झूठी खबरें देनी फलां कर देना यहाँ कर देना वहाँ कर देना, और तूने कहा जी बस वो नैना बेटे ने ना अब वो जो है ना पहली जो खबर दी थी ठीक है, और जो अब दे रही है बता रही है कि मैंने फकत सलमा रो रही थी और मैंने इसलिए वो बना दिया भी मैंने कुछ आंखों से नहीं देखा, तो ये झूठ मैं साबित करूँगा, हाँ तो देखो ना आप झूठ साबित करने के लिए कैसे बैठे हो, भी सच्चाई की तरफ नहीं जाने देना, तूने झूठा साबित करना क्योंकि तुमने झूठ का साथ देना है और झूठ ने तुम्हें कहाँ से कहाँ ला के खड़ा किया, तो तुम वहीं जाओगे ना जहाँ तुम्हें झूठ मिला है, तो बाकी बात रह गई जी जो तुम लोगों ने अपना हीरो बनाया हुआ है इजाज़ शाह, ठीक है शाह है नहीं, ठीक है ना मुझे इजाज लगता है, ठीक है अमरेश पुरी साहब शाहों से तुम कौन बन गए, तुम्हें बहुत शौक है अमरेश पुरी बनने का, ठीक है ना, तो अमरेश पुरी का आखिर में क्या हशर होता है वो भी आपने देखा है, ठीक है ना, उसके साथ क्या हशर होता है अमरेश पुरी के साथ, तो इंशाल्लाह अगर आप कोई नाहक की बातें और ऐसे छुनू फुनू बन के और फन्ने खां बन के आए हैं ठीक है, तो आप समझते हैं जो अपना फिर वही होगा, वही हाल होगा जो बाद में किसका होता है अमरेश पुरी का,
तो आप मेरे ख्याल में अमरीश पुरी बन के हैं, सैयद तो आप हैं नहीं, क्योंकि आपने जितना खानदान वालों को जलील किया हुआ है और वाइटी वालों को दो बातें आगे करते हो और फिर तीसरी बात चले जाते हो, तो आप शाह तो हैं नहीं। ठीक है, तो बाकी तो सब चीज़ समझ रहे हैं, तो क्या हो। तो अमरीश पुरी साहब, इजाशा नहीं रहा, तुम्हारे नाम बाप माँ बाप ने बहुत पाकीज़ा नाम रखा है इजाशा साहब, और तुम सैयद खानदान से तुम्हें मतलब रास क्या है अमरीश पुरी। तो आओ अमरीश पुरी, तुम भी आओ, और यहाँ से पाकिस्तानी सुल्तान रे भी आपके लिए तैयार है। ठीक है, ये एक मिनट भाई, बहुत ज़रूरी बातें हो रही है, कॉल नहीं करनी। तो जी आओ, मैं भी तेरे लिए तैयार हूँ, आ जाओ, लाओ तुम झूठ सच की बातें, तुम भी दूर नहीं हो और हम भी दूर नहीं हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला एक दूसरे को निबड़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जो मैंने कह दिया ना, जो मेरे बच्चों के बारे में बात करेगा, दिलबर तारा के बारे में, यानी कि बाबर हो गया और जो छोटे मेरे बच्चे, तो इंशाल्लाह मैं निपट के रहूँगा, और जो उनका दुश्मन वो मेरा दुश्मन। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो मैं यही जवाब देता रहूँगा और आपके साथ साथ हूँ, टेंशन नहीं लेना। तो दूध वाले सुधर जा, और अमरीश पुरी तू भी अटरे। तो मिलते हैं कल के लिए, कल आप लोगों को अच्छा लेके। तब तक के लिए असीम अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे क्या करना, लाइक शेयर और एंड सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।